आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास प्लस टू अकाउंट्स का प्रीमियम फॉर गुडविल, चैप्टर का नेम है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। बच्चों ये प्रीमियम ऑफ गुडविल क्या होता है? देखो बच्चों, हमारे पास एक फॉर्म है, एक फॉर्म में हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, एक फर्म है उसमें हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, एक ए है और एक बी है। वो आपस में प्रॉफिट्स बांटते हैं, 50% इसको मिल जाता है, 50% इसको मिल जाता है। अब एक और बंदा है, वो है सी। वो कहता कि जो तुम्हारी ये पार्टनरशिप फॉर्म है तो मुझे भी इसमें पार्टनर्स बना लो। ये सी कहता ए बी को कि मुझे भी तुम पार्टनर्स बना लो। अब देखो बच्चों, ए और बी एग्री हो जाते हैं कि हाँ ठीक है। तो पहले इनको 50-50% प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, सी के आने पर सपोज इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो 40-40 रह गए, और इसको जो उन्होंने प्रॉफिट्स में से शेयर देना है वो कितना है, 20%। तो अब इनको 40-40% मिलेगा, अब इसको 20% मिलेगा। अब ए और बी मायूस हो गए कि अब सी आएगा तो पहले तो हम 50-50% प्रॉफिट्स ले रहे हैं, अब हमें सिर्फ 40-40% ही मिल रहा है, तो हमारे तो जो प्रॉफिट्स होंगे वो कम हो जाएंगे। तो इस पर वो सी से पूछते हैं कि हम तुम्हें एडमिट क्यों करें, तुम्हारे आने पर हमें जो प्रॉफिट्स है पहले से कम मिलेंगे, 20% प्रॉफिट्स हमें अपने छोड़ने पड़ेंगे। तो इस पर सी कहता कि जो तुम अपने प्रॉफिट्स छोड़ोगे, जो अपने प्रॉफिट्स छोड़ोगे मुझे दोगे, ठीक है, तो मैं उसके बदले में तुम्हें 60,000 रुपये देने को तैयार हूँ। सी 60,000 रुपया देने को तैयार है, ए और बी जितने वो प्रॉफिट्स अपने छोड़ रहे हैं। तो बच्चों यही जो 60,000 सी पे कर रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑफ गुडविल। मींस जो ये नया पार्टनर्स इनको पे करता है, जो ये अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करते हैं नए पार्टनर के आने पर, उसके बदले में जो ये अमाउंट पे करता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बच्चों क्या कैपिटल और प्रीमियम ऑफ गुडविल सेम होता है? नहीं। सी जो आएगा, जो फॉर्म में पैसा लगाएगा, पूंजी लगाएगा, उसे तो हम बोलते हैं कैपिटल, और जो ये प्रॉफिट सेक्रीफाइस करने के बदले में देगा वो होगा प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बच्चों कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल सेम टर्म नहीं है। तो आइए अब हम करते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। जब नया पार्टनर आता है तो उसे हमें कैसे ट्रीट करना होता है? अब हम स्टार्ट करते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। जो नया पार्टनर आ रहा है, मैंने आपको अभी बताया, तो वो कैपिटल के अलावा क्या लेकर आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल, जो उसका गुडविल का हिस्सा होता है, जो उसने ओल्ड पार्टनर्स को देना होता है, जो उन्होंने प्रॉफिट्स अपने छोड़े हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, या तो वो अपना हिस्सा लेकर आ रहा है, यानी जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो इनकमिंग पार्टनर लेकर आ रहा है जितना उसका हिस्सा बनता है। सेकेंड केस है जब वो अपना हिस्सा गुडविल का फॉर्म में लेकर नहीं आता। और जब वो अपना हिस्सा लेकर आ रहा है वो किस फॉर्म में हो सकता है? या तो वो किस फॉर्म में हो सकता है, कैश फॉर्म में, मीन्स वो कैश में लेकर आया है अपना हिस्सा जो गुडविल का है, उसने डायरेक्टली प्रीमियम का कैश दे दिया फॉर्म को। सेकेंड इन अदर काइंड मीन्स अब वो यहाँ पर कैश नहीं लेकर आया, कैश की जगह हो सकता है उसने कोई मशीनरी दे दी हो, कोई स्टॉक पे कर दिया हो, तो वो उस फॉर्म में लेकर आ सकता है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो नया पार्टनर आया है और वो अपना प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर आया है, किस फॉर्म में लेकर आया है, कैश फॉर्म में लेकर आया है, तो उसका कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने करना है। बच्चों इस टॉपिक की हमारे पास दो वीडियोस बनेंगे, क्योंकि इसकी जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास बुक में वो ज़्यादा हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने कैसे करना होता है। अब देखो बच्चों,
जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है वो नया पार्टनर आया है वो कैश की फॉर्म में लेकर आया है, तो उस केस में हमने क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, मींस क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। फर्स्ट है जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है वो नया पार्टनर लेकर आ रहा है कैश की फॉर्म में, तो उसकी फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारे पास क्या होगी बच्चों। तो पहले अब वो लेकर आया है प्रीमियम ऑफ गुडविल, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बच्चों वो प्रीमियम फॉर गुडविल तो लेकर आता ही आता है, अपने हिस्से की जितनी उसकी कैपिटल बनती है वो भी उसको लानी पड़ती है, तो यहाँ पर प्रीमियम ऑफ गुडविल के साथ और क्या आएगा, टू कैपिटल अकाउंट, जितनी वो पूंजी लेकर आया है फॉर्म में अपने हिस्से के लिए। अब देखो बच्चों, अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल अब वो ले आया हमारे पास। अब ये जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है वो हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको करना है, ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर्स कौन से वाले, सारे या स्पेसिफिक, नहीं बच्चों वहाँ पर सिर्फ कुछ स्पेसिफिक आएंगे। स्पेसिफिक कौन से, जिन्होंने नए पार्टनर के आने पर कुछ सेक्रीफाइस किया है, मीन ये प्रीमियम ऑफ गुडविल अब हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशियो में बांट देंगे हम उनकी, इन सेक्रीफाइस रेशियो। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये सिर्फ कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों, ओल्ड पार्टनर्स को, सेक्रीफाइस रेशियो में। बच्चे क्या करते हैं कि उनकी जो ओल्ड रेशियो होती है उसी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वो हम कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करने के बाद। तो अब जो ये प्रीमियम है ओल्ड पार्टनर्स को मिल गया, तो उनके अकाउंट्स क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। अब हो सकता है जो ओल्ड पार्टनर्स को उनका हिस्सा मिला है, प्रीमियम फॉर गुडविल मिला है, वो फर्म में ही रहने दें, फर्म में रहने दें, तो फिर हमने क्या करनी है, सिर्फ यही दो एंट्रीज ही करनी है। सेकंड केस हमारे पास बनेगा जब वो अपना हिस्सा जो है वो विड्रॉ कर लेते हैं फॉर्म में से, तो उस केस में हमने बच्चों क्या करना है, जब उन्होंने अपना हिस्सा गुडविल का फॉर्म में से क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया यानी निकाल लिया। जब पार्टनर्स फॉर्म में से अपना हिस्सा निकालते हैं तो उनके अकाउंट क्या हो जाते हैं बच्चों, डेबिट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, उसके बाद पैसे गए, उन्होंने पैसे निकाल लिए टू बैंक अकाउंट, जितना जितना उन्होंने हिस्सा निकाला है यहाँ पर, जितना उनको मिला होगा उसमें से जितना उन्होंने निकाल लिया। अगर सारी निकाली तो ये सारी अमाउंट ही आ जाएगी, अगर उन्होंने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट निकाली है तो जितनी अमाउंट हमें क्वेश्चन में दी गई होगी उतनी अमाउंट ही हमने डालनी है। तो ये तीन एंट्रीज हमने करनी है, फर्स्ट जब वो प्रीमियम लेकर आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और सेकंड कैपिटल की अमाउंट। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है बच्चों ये ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनकी सेक्रीफाइस रेशियो में। उसके बाद थर्ड एंट्री, अगर ओल्ड पार्टनर्स अपना जो गुडविल का हिस्सा है जो उन्हें मिला है नए पार्टनर के आने पर, तो वो फॉर्म में से क्या करते हैं, वो विड्रॉ कर लेते हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर उनकी कैपिटल फिक्स होंगी तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट की जगह क्या आएगा बच्चों, करंट अकाउंट। तो आइए अब इस टॉपिक की हम इलस्ट्रेशन करते हैं। अब हम शुरू करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की फर्स्ट इलस्ट्रेशन। जब कोई नया पार्टनर आता है तो उस टाइम गुडविल का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने करना होता है। देखो बच्चों, हमारे पास है 21st एग्जाम्पल है, इसमें क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फॉर्म। ए और बी पार्टनर हैं फॉर्म में, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में 3:2। उसके बाद उनकी जो कैपिटल्स दे रखी हैं हमारे पास क्वेश्चन में कितनी दे रखी हैं, 1,80,000 और 1,40,000। उन्होंने एक्स को एडमिट किया, एक्स को पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट किया ऑन द कंडीशन, किस कंडीशन में,
दैट ही विल ब्रिंग 67,500 एज अ गुडविल. वो गुडविल के कितने रुपए लेकर आएगा बच्चों? 67,500 एंड 1,50,000 एज कैपिटल. और पूंजी के लिए कितने लेकर आएगा? 1,50,000 रुपए. एंड विल गेट 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. और उसे फर्म में कितने प्रॉफिट्स मिलेंगे, कितना हिस्सा मिलेगा? 1/4. एज्यूमिंग दैट, हमने क्या मानकर चलना है? द कैपिटल एंड गुडविल हैव बीन ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर. जो नया पार्टनर आया है वो कैपिटल और गुडविल वो कैश में लेकर आया है. तो हमने क्या करना है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है एक्स के आने के बाद. दो केस हमारे पास यहाँ पर दे रखे हैं. ए, गुडविल इज रिटेन इन द फर्म. गुडविल फर्म की बुक्स में रखी हुई है. इट मीन जो पार्टनर्स हैं उन्होंने गुडविल फर्म में से विदड्रॉ नहीं की है. सेकेंड, गुडविल इज विदड्रॉन बाई पार्टनर्स. पार्टनर ने फर्म में से गुडविल विदड्रॉ कर ली है. तो अब हमारे पास दो केसेस हैं. अब यहाँ पर तो दोनों केसेस में अलग अलग एंट्री करनी है. बस फर्क यही है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि रिटेन की है, रखी है, निकाली नहीं है. तो इट मीन यहाँ पर जो गुडविल निकालने वाली एंट्री है वो हमने नहीं करनी है. और यहाँ पर क्या रखा है कि उसने विदड्रॉ कर ली, तो यहाँ पर उसने गुडविल विदड्रॉ कर ली, तो इट मीन यहाँ पर गुडविल विदड्रॉ करने की एंट्री हमने करनी है. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कॉपी पे क्वेश्चन करना हमें इजी हो जाए. अब हम शुरू करते हैं 21st इलस्ट्रेशन. इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है बच्चों? ए और बी, ये दोनों हमारे पास पार्टनर्स हैं और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी दे रखी है? 3:2. उसके बाद उनकी जो कैपिटल्स हैं ए और बी की वो कितनी दे रखी हैं हमारे पास? 1,80,000 और 1,40,000. ये ए की है और ये बी की है. उसके बाद एक्स को एडमिट किया है उन्होंने. एक्स को एडमिट किया तो वो गुडविल के कितने लेकर आएगा? 67,500 रुपीज़. और वो कैपिटल के कितने लेकर आएगा? 1,50,000 रुपये. तो ये मानकर चलना है हमने कि जो गुडविल है वो कैश में लेकर आया है और एक्स का जो शेयर है फॉर्म में वो कितना है? 1/4. तो आपको पता है हमने जो गुडविल पार्टनर लेकर आया है उसको हमने सेक्रीफाइस रेशो में बांटना होता है पार्टनर्स को. तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी पड़ेगी. लेट कर लेते हैं अभी टोटल शेयर कितना है हमारे पास. टोटल शेयर 1 है. एक्स का शेयर कितना है? 1/4. टोटल शेयर 1 में से एक्स का शेयर देने के बाद हमारे पास रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा? 1-1/4 = 3/4. तो उसके बाद बच्चों अब ये जो शेयर है वो किसका है? ए और बी का. तो अब क्या करेंगे? जो बचा हुआ शेयर है ए को हम दे देंगे. तो ए का न्यू शेयर कितना आएगा हमारे पास? ए का न्यू शेयर आ गया 3/4 का. ये उसकी ओल्ड रेशो है, उसमें हम बांट देंगे, यानी 3/5. ये 3/5 हो गया और ये 2/5 हो गया. तो ये आ गया हमारे पास 9/20. इसी तरह हम बी का न्यू शेयर निकाल लेंगे 3/4 का. इसका कितना करेंगे? 2/5. तो ये आ जाएगा हमारे पास 6/20. उसके बाद एक्स का शेयर हमें पता ही है 1/4. तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकलेगी ए बी और एक्स के बीच में 9/20, 6/20 और 1/4. तो ये आ गई 9:6:5. जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5. तो न्यू रेशो निकल गई. इसके बाद हम क्या निकालेंगे? जो उनकी सेक्रीफाइस रेशो है. बच्चों मैंने आपको एक लॉजिक पहले भी बताया था कि जब हमारे पास सिर्फ जो नया पार्टनर आया है उसका शेयर क्वेश्चन में दिया गया है और ये नहीं बताया कि वो किससे कितना हिस्सा लेगा या ए और बी उसको कितना हिस्सा देंगे, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो उस केस में जो उनकी सेक्रीफाइस रेशो होती है वो क्या होती है? जो उनकी
ओल्ड रेशो होती है वही उनकी सेक्रीफाइस रेशो होती है, मीन्स 3:2। तो यहाँ पर हमने न्यू रेशो भी निकाल ली, वैसे तो उनकी ओल्ड रेशो में से हम न्यू रेशो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो भी हमारी क्या निकल जाएगी, सेक्रीफाइस रेशो। तो उसके बाद अब हम करते हैं जर्नल एंट्रीज। जब गुडविल जो है पार्टनर्स ने विदड्रॉ नहीं की, फर्स्ट केस हमारे पास यही है ना, गुडविल है जो पार्टनर्स ने रिटेन की हुई है फर्म में, मींस फर्म में से नहीं निकाली, तो पहली एंट्री क्या होती है हमारे पास, जो नया पार्टनर आता है, जो वो पैसा लेकर आता है, चाहे वो गुडविल का है चाहे वो उसकी कैपिटल का है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, ये सारा ऐड कर देंगे इन दोनों को हम, तो ये कितना आ जाएगा, 2,17,500। उसके बाद बच्चों उसकी कैपिटल कितनी है, 1,50,000, तो वो हम कौन से अकाउंट में डाल देंगे, एक्स के कैपिटल अकाउंट में, कितना, 1,50,000। उसके बाद बच्चों जो वो प्रीमियम का पैसा लेकर आया है वो कौन से अकाउंट में जाएगा, टू प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट, कितना आ गया, 66,500। अब ये जो प्रीमियम का पैसा होता है ये हमने किसको बांटना होता है, ओल्ड पार्टनर्स को बांटना है, कौन सी रेशो में बांटना है, उनकी सेक्रीफाइस रेशो में। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, कौन सी रेशो में डिवाइड करेंगे, सेक्रीफाइस रेशो में, वो कितनी आएगी यहाँ पर, 3:2। बच्चों मैंने आपको यहाँ पर निकाल कर नहीं दिखाया, मैंने आपको यहाँ पर न्यू रेशो निकाल कर दिखा दी, ओल्ड रेशो आपको पता है, आप ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर लो तो आपकी 3:2 ही आएगी, तो आप इसे कॉपी पर अपने तरीके से सॉल्व करके देख सकते हो। हमारे पास अभी प्रीमियम कितना है, 67,500, तो अब हम इसको सेक्रीफाइस रेशो में बांट देंगे 3:2 में, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ए का शेयर 40,500 और बी का शेयर कितना आ जाएगा हमारे पास, 27,000। अब देखो बच्चों जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्हें प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, फर्स्ट केस में कहा है कि उन्होंने गुडविल फॉर्म से ड्रॉ नहीं की है, तो उस केस में हमारे पास सिर्फ ये दो एंट्रीज ही होंगी। सेकंड केस में कहा है उन्होंने गुडविल क्या है, फॉर्म से विड्रॉ कर ली, मींस ये दो एंट्रीज तो होंगी होंगी, फर्स्ट जो नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल की अमाउंट लेकर आया है, सेकंड जो प्रीमियम है ओल्ड पार्टनर्स को उनकी सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड होगा। इतना काम तो हो गया हमारा, तो नेक्स्ट अब उन्होंने पैसे निकाल लिए, उनको मिला कितना कितना है, 40,500 और 27,000, तो ये पैसे उन्होंने फॉर्म से निकाल लिए, तो निकाल लिए तो इसकी एंट्री क्या होगी हमारे पास, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब वो ड्राइंग करते हैं या पैसा बिजनेस से निकालते हैं तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या होता है बच्चों, डेबिट, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। उसके बाद बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सारी की सारी निकाल ली, तो मैंने ये सारी अमाउंट ही डाल दी, टोटल पैसे हमारे पास से फॉर्म से गए, गए तो कहाँ से जाएंगे, बैंक से जाएंगे, तो टू बैंक अकाउंट कितना, 67,500। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन दो केस में, जब पार्टनर्स ने फॉर्म में से गुडविल विदड्रॉ नहीं की, सेकंड जब उन्होंने गुडविल विदड्रॉ की है, तो सिर्फ एक यही एंट्री का फर्क होता है जब वो फॉर्म से गुडविल विदड्रॉ करते हैं, करते हैं तो ये एंट्री डाल दो, अगर नहीं की तो हमने ये एंट्री नहीं डालनी, ऊपर वाली सिर्फ दो एंट्रीज ही हमने पोस्ट करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास 22th इलस्ट्रेशन, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशो 2:1, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी दे रखी है, 2:1। दे एडमिट, उन्होंने एडमिट किया किसको, जेड को, पार्टनरशिप में कितने शेयर के लिए एडमिट किया, 1/4 शेयर के लिए,
और जो वो 1/4 शेयर है जेड अपना, वो किससे कितना कितना लेगा एक्स और वाई से, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, वो एक्स और वाई से दोनों से बराबर बराबर हिस्सों में लेगा। जेड ब्रिंग इन 1,65,000 एज कैपिटल एंड 30,000 एज गुडविल इन कैश, वो 1,65,000 रुपये कैपिटल के लेकर आएगा और 30,000 रुपये गुडविल के लेकर आएगा कैश में। तो अब यहाँ पर आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है और जर्नल एंट्रीज करनी है। हमें पता है जो प्रीमियम होता है गुडविल का, जो नया पार्टनर लेकर आता है, यहाँ वो कितना लेकर आया है 30,000। जब वो कैश में लेकर आ रहा है तो हमने उसको क्या करना होता है, ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड करना होता है। वो हम ओल्ड रेशो में से क्या करेंगे, न्यू रेशो माइनस करके निकाल लेंगे। तो आइए अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। 22th क्वेश्चन में अभी हमने क्या पढ़ा कि x और y इन दोनों की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 2:1। उन्होंने z को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। उसके बाद बच्चों जो x है वो कितना देगा, y कितना देगा, उन्होंने कह रखा है क्वेश्चन में जेड जो है वो दोनों से बराबर बराबर लेगा, मतलब अपने हिस्से का आधा इससे लेगा, अपने हिस्से का आधा इससे लेगा। और जो जेड है वो कितना लेकर आया है प्रीमियम के लिए बच्चों, 30,000 तो प्रीमियम ऑफ गुडविल है ये जेड का, और उसकी कैपिटल के कितने लेकर आया है वो, 1,65,000 ये लेकर आया है वो कैपिटल की अमाउंट। यहाँ पर हमने वही करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है और उनकी जर्नल एंट्रीज करनी है। जब नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट हुआ है तो प्रीमियम की हमने क्या एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमें पता है जेड का शेयर जो है वो 1/4 है, जेड अपना हिस्सा वाई से कितना लेगा, आधा आधा लेगा दोनों से बराबर बराबर। जेड गेट्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स, एक्स से कितना लेगा, 1/4 उसका है, दो बंदों से ले रहा है तो 1/2 यानी 1/8। उसी तरह सेम एक्स से ले लिया उसने, अब वो वाई से कितना लेगा, 1/4 का 1/2 मीन्स 1/8 बच्चों। तो अब एक्स का न्यू शेयर कितना आएगा, उसका हिस्सा पहले है 2/3, 2 और 1 यानी 2/3। अब 2/3 उसका पहले था, उसने 1/8 किसको दे दिया, जेड को। तब उसके पास कितना बचेगा, अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 3 8 24 8 2 16 माइनस 3 तो ये आ गया 13/24। उसके बाद y का जो न्यू शेयर है बच्चों वो कितना आएगा, उसका पुराना शेयर है 1/3, उसने भी कितना दे दिया, 1/8 तो ये आ गया 24, तो 8 माइनस 3 तो बच्चों ये आ गया 5/24। तो अब हमें x का न्यू शेयर पता है, y का न्यू शेयर पता है और z का शेयर पता है, तो हम उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल सकते हैं। तो उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, x रेशो y रेशो जेड, वो कितनी आएगी, 13/24, 5/24 और जेड का शेयर कितना है, 1/4। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 24 मैंने एलसीएम ले लिया, 13:5:6 यानी ये क्या आ गई हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बच्चों देखो अब हमने क्या करना है, नए पार्टनर के आने पर जर्नल एंट्रीज करनी है और प्रीमियम को बांटना है। पहली एंट्री हम क्या करते होते हैं, जब नया पार्टनर आता है फॉर्म में तो जो वो अमाउंट्स लेकर आया है प्रीमियम की और कैपिटल की, उसकी एंट्री करते हैं हम। फर्स्ट एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड, कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट। देखो बच्चों जेड का प्रीमियम जो है वो है कितना है, 30,000,
और वो कैपिटल के कितने लेकर आया है? 1,65,000। तो टोटल अमाउंट हमारे पास बैंक में कितनी आ गई फॉर्म के? 1,95,000। इतना क्वेश्चन तो हमारे पास सिंपल ही है। अब जो ये प्रीमियम है वो हमने क्या करना है, वो कैश में लेकर आया है, इसको हमें ओल्ड पार्टनर्स को बांटना है। कौन सी रेशो में बांटना है? सेक्रीफाइज रेशो में। तो इसकी एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। अब ये है हमारे पास 30,000। अब हमारे पास यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशो नहीं है। बच्चों ध्यान से देखो, अब यहाँ पर हमारे पास सेक्रीफाइस रेशो नहीं है। आपके पास दो तरीके हैं सेक्रीफाइस रेशो निकालने के। एक तो हमें उनकी ओल्ड रेशो पता है और उनकी न्यू रेशो भी पता है। ओल्ड रेशो में से हम क्या करेंगे, न्यू रेशो माइनस कर देंगे, तो वो उनकी क्या निकल जाएगी? सेक्रीफाइस रेशो। मैंने आपको सेक्रीफाइस रेशो वाला जो पार्ट 3 था इस चैप्टर का, उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकाली जाती है वो सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिए। तो एक दूसरा तरीका और है कि बिना ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस किए बिना हम सेक्रीफाइस रेशो का आइडिया हम कैसे लगा सकते हैं। सेक्रीफाइस रेशो हमें पता है बच्चों क्या होती है, नए पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर जितना जितना हिस्सा अपना छोड़ते हैं, जिस रेशो में वो छोड़ रहे हैं, वो क्या होती है उनकी सेक्रीफाइस रेशो। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या ही रखा है, जेड के आने पर एक्स और वाई जो हैं वो दोनों बराबर बराबर उसको हिस्सा देंगे जितना उसको हमने पे करना है, यानी 1:1। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, सेक्रीफाइस रेशो 1:1। तो ये कितना आ गया, 15,000। ये कितना आ गया, 15,000। तो बड़ा सिंपल सा तरीका था पता लगाने का, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि वो इक्वली दोनों से बराबर बराबर ले रहा है। यहाँ पर अब उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने गुडविल विदड्रॉ कर ली या नहीं की, तो उस केस में हमने ये मानकर चलना है जो गुडविल है वो फॉर्म से विदड्रॉ नहीं की गई। हमने सिर्फ दो एंट्रीज ही पोस्ट करनी है, गुडविल विड्रॉ करने की एंट्री हमने पोस्ट नहीं करनी।